वेलकम अगेन फ्रेंड्स, लर्न एंड अर्न वर्डप्रेस फॉर बिगनर्स। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का वर्डप्रेस फॉर बिगनर ट्यूटोरियल सीरीज में। यहाँ पर आज हम सीखेंगे हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस मैन्युअली वाया एफटीपी। एफटीपी से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बहुत ही इजी भी है एंड कॉम्प्लिकेटेड भी है। एज ए बिगनर आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा कि एफटीपी के थ्रू अभी बहुत कम अपलोड होता है, बट एफटीपी कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये आपको एडवांस लेवल पर जब आप डिबगिंग करेंगे वर्डप्रेस की तो आपको एफटीपी लग। दूसरा पार्ट इसका हम देख लेते हैं, डेफिनेशन। इफ योर होस्टिंग प्रोवाइडर डज नॉट हैव cPanel, यू कैन ऑल्सो चूज टू इंस्टॉल वर्डप्रेस मैन्युअली वाया एफटीपी। ये काफी लॉन्ग प्रोसेस है और किस तरह से होता है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। दिस इज मोर टेडियस प्रोसेस एंड दिस वीडियो शो यू हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस मैन्युअली वाया एफटीपी। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि इस वीडियो का बेनिफिट सभी लोग उठा सकें। सो फ्रेंड्स, आपको इसमें जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो सबसे पहले आपको एक फाइलजिला है जो कि एफटीपी क्लाइंट्स कहलाता है, आपको इसको ओपन करना रहेगा। एंड इसके बाद आपको जो शुरू लगेगा कि आपके पास चाहिए एक हॉस्ट नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। फिर उसको किस तरह से आपको कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका हॉस्ट नेम जो है आपका डोमेन नेम रहता है, यूजर नेम जहाँ से आपने हॉस्टिंग परचेज किया है उसका यूजर नेम एंड उसका पासवर्ड। पोर्ट जो है एफटीपी के लिए 21 यूज होता है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो आप कंट्रोल एस प्रेस करके आप यहाँ पर हॉस्ट नेम दे सकते हैं एंड इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में डेस्कटॉप है जो कि हमारा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम की सारी फाइल्स दिखा रहा है। राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर सर्वर की सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स शो कराएगा। तो आपको सिलेक्ट क्लिक करना है पब्लिक अंडरस्कोर HTML में वर्डप्रेस अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको आना रहेगा wordpress.org जो कि वेबसाइट है, मैंने ऑलरेडी ओपन किया है। यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे गेट वर्डप्रेस, तो आप क्लिक कर दीजिए। वर्डप्रेस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं नीचे डाउनलोड वर्डप्रेस 5.4.1, ये लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस का, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड होने में 1 से 2 मिनट जाएगा। ये 12 MB का फाइल है जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड किया है, आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर डाउनलोड है। तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या करना है कि इसका जिप फाइल आप मेरा देख रहे हैं, यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर सिलेक्शन सिलेक्ट है और ये जिप फाइल यहाँ पर अवेलेबल है जो लेटेस्ट रिसेंटली डाउनलोड किए। तो फर्स्ट इसको आपको अनजिप करना रहता है। अनजिप करने के बाद इसमें काफी सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स दिखते हैं और वो आपको पब्लिक अंडरस्कोर HTML में लेकर जाना रहता है, अपलोड करना रहता है। सो ये काफी लॉन्ग प्रोसेस है, इसको टाइम भी जाता है, मैं आपको मैन्युअली इसको करके दिखा देता हूँ। इसका बेस्ट वे है कि आप इस जिप फाइल को ऑन करिए, इसको कॉपी कर लीजिए आपके डेस्कटॉप पर या किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर में एंड इसको अनजिप कर दीजिए। जैसे ही ये फाइल अनजिप होगी आप यहाँ पर देख रहे होंगे आपको वर्डप्रेस नाम का एक फोल्डर मिल जाता है। तो इसके अंदर जितने भी ये फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं ये आपको वन बाय वन फाइलजिला के थ्रू अपलोड करना है। मैं आपको यहाँ पर ये पैरेलली दिखा देता हूँ। ये जितने भी फाइल्स हैं ये आपको यहाँ से पहले एक्सेस करना पड़ेगा। आपको डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिए। डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको डेस्कटॉप के जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पर वर्डप्रेस की फाइल्स दिखने लगी है, यहाँ पर WP एडमिन है, WP क्लाइंट कंटेंट है, WP इंक्लूड्स है एंड वर्डप्रेस की सारी फाइल्स हैं। तो आपको इसको अपलोड कैसे करना है, आप फोल्डर पे सिलेक्ट करेंगे, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स भी रहते हैं वो ऑटोमेटिकली लेता है, आप की शिफ्ट प्रेस करके एंड डाउन एरो से ये सारी फाइल्स को सिलेक्ट कर लीजिए इंक्लूडिंग फोल्डर्स। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी फाइल्स जो है अपलोड होती जा रही है, ये जो फाइल्स जितने भी हैं ये अपलोड हो गए। अभी बचा इसके बाद फोल्डर्स, तो फोल्डर्स में काफी ज्यादा टाइम जाएगा मे बी, तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्डिंग कर लगा दूंगा। तो आप कंफ्यूज मत होना एफटीपी के थ्रू कैसे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं WP एडमिन का एक फोल्डर बन चुका है ऑलरेडी। WP एडमिन के अंदर जितनी भी हमारे थीम्स, WP एडमिन के अंदर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहते हैं वन बाय वन ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाते हैं, अपलोड हो जाते हैं। तो दोस्तों FTP का बहुत ही बड़ा रोल रहता है किस तरह से आप आपकी वेबसाइट को FTP के थ्रू अपलोड करते हैं। ये एडवांस लेवल पर जब आप डिबगिंग करेंगे तब आपको मस्ट इसको यूज करना ही करना है।
यहाँ पर आप देख रहेंगे टोटल नंबर ऑफ फाइल्स जो क्यू में दिखा रहा है वो 152 मीन्स 1500 अप्रोक्सीमेट फाइल्स यहाँ पर क्यू में दिखा रहा है। तो इसको हार्डली 1 से 2 मिनट जाएगा। यहाँ पर हम वीडियो को पॉज कर देते। तो फ्रेंड्स आप देख रहेंगे कि हमारा अपलोडिंग चल रहा है, ओनली 80 अप्रोक्सीमेट फाइल्स रह गए हैं। इसमें करीब 5 to 7 मिनट्स गए, डिपेंड्स होता है इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। तो अभी ये हमारा फिनिश हो जाएगा विद इन ए फ्यू सेकेंड में। नेक्स्ट स्टेप तो आपको क्या करना है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। अभी हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, इंस्टेंटली अभी हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा फाइल ट्रांसफर का जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है, एक बार आप देख लेते हैं। तो मैं न्यू टैब में मेरा डोमेन को ओपन करता हूँ, https://glenrush.com। यहाँ पर एंटर करेंगे, जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ पर वर्डप्रेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमसे पूछेगा। सो यही बेसिक स्टेप्स है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का, कि आप एफटीपी के थ्रू किस तरह से फाइल को अपलोड करें। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू क्लिक करने पर ये हमसे पूछ रहा है कि डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड एंड डेटाबेस हॉस्ट एंड टेबल प्रीफिक्स आपके पास रेडी है। यस, हमारे पास रेडी है और हम ये इधर इंस्टॉल करते हैं। तो अभी आप क्वेश्चन आता है कि डेटाबेस कहाँ से आप लेकर आएंगे, तो उसके लिए आपको सी पैनल के अंदर से डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। दैट इज वेरी इजी, मैं यहीं पर आपको इंस्टेंटली बता देता हूँ। आपको यहाँ पर डेटाबेस टाइप करिए, आपको माई एसक्यूएल डेटाबेस मिल जाएगा। डेटाबेस के अंदर आप विजार्ड पर क्लिक करिए, ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें ऑटोमेटिकली कर देता है। तो यहाँ पर आपको आपका जो यूजर नेम है अंडर स्कोर के साथ आता है, यहाँ पर आप डेटाबेस नाम टाइप कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, क्रिएट करके डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर आप उसका यूजर नेम दे दीजिए एंड यहाँ पर पासवर्ड दे दीजिए। एंड जैसे ही आप क्रिएट करेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा आपको परमिशंस का, वो परमिशंस भी आपको देना रहेगा। एंड यही सारी चीज डेटाबेस हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमारा डेटाबेस का यूजर नेम जो है वो है ग्लैन। तो मुझे ये एक बार डेटाबेस वापस से चेक करना पड़ेगा कि मेरा डेटाबेस क्या है। देखिए मेरा जो डेटाबेस है वो WP है एंड यूजर जो है वो भी WP है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड यूजर नेम भी सेम है, पासवर्ड जो है वो मेरा मैं हाइड करके यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। डेटाबेस हॉस्ट जो है वो आप लोकल हॉस्ट रहने दीजिए एंड WP-, ये आपका टेबल प्रीफिक्स है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको टेबल प्रीफिक्स क्या करना है वो आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना टेबल प्रीफिक्स भी चेंज कर देता हूँ एंड इसको कर दीजिए सबमिट पे क्लिक। देन आपको न्यू स्क्रीन पर, विंडो पर आपको दिखेगा रन दिस इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर दीजिए एंड आपका वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है। अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आप आपकी साइट का टाइटल दे दीजिए। तो लेट्स, मैं यहाँ पर दे देता हूँ वेलकम टू ग्लैन रश एंड ये आपका यूजर नेम है। यूजर नेम में एडमिन बाय डिफॉल्ट होता है। मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप एडमिन मत रखिए क्योंकि ये इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है और हैक हो जाता है। और ऑटो जनरेटेशन में यहाँ पर ये पासवर्ड आता है, ये पासवर्ड आप आपके हिसाब से पासवर्ड दे सकते हैं। पासवर्ड इनफ स्ट्रांग रहना चाहिए, तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट पासवर्ड यूज कर रहा हूँ। एंड इसके बाद आपको आपका ईमेल आईडी देना है जहां पर ये पासवर्ड का इंफॉर्मेशन मेल में आ जाएगा। इसके नीचे एक ऑप्शन है, इस पर ध्यान देना, सर्च इंजन विजिबिलिटी। अगर आप इसको सिलेक्ट कर देंगे तो कोई भी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को रीड नहीं करेगा। अगर आपका वेबसाइट डेवलपमेंट मोड पर है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि वेबसाइट को सर्च इंजन रीड ना करे। मीन्स आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है वो सर्च इंजन रीड नहीं करेगा, आपका वेबसाइट गूगल पर नहीं आएगा। तो इसको छोड़ दीजिए एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली। अभी आपको इसको टेस्ट करना है। तो अगेन हम न्यू टैब में जाते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं glenrush.com। और यहाँ पर देखिए अगेन द सेम थीम, हमारा जो पहले का थीम था वही सेम 2020 थीम यहाँ पर आ चुका है। तो अभी इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा, कैसे कैसे यूज करते हैं। सो ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने कुछ भी पार्ट स्किप किया है वो यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। तो FTP क्लाइंट्स के थ्रू आप अपने वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस की। तो आपको चाहिए रहेगा एक FTP अकाउंट, यूजर नेम, पासवर्ड। दूसरा wordpress.org से आप वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लीजिए एंड थर्ड फाइलजिला के थ्रू डाउनलोड किया हुआ वर्डप्रेस फाइल्स एंड फोल्डर को अपलोड करना है। उसके बाद आप ब्राउजर के न्यू टैब में आपका डोमेन नेम डालेंगे,
जैसे ही आप डोमेन नेम डालेंगे, वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पर सेटअप रन करना है। एंड सेटअप रन करने के लिए आपको फिर लगेगा एक डेटाबेस का यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो आपको सीपीएनएल से क्रिएट करना है। एंड देन उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तब आपको वर्डप्रेस का यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना है। तो डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड सेपरेट हो जाता है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का यूजर नेम पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। एंड उसके बाद रन कर देना है, रन पर क्लिक, एंड उसके बाद आपका सिंपली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसमें मुझे नीचे कमेंट करना ना भूलें। आपके क्यूरीज अगर कुछ आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एंड मैं उसको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।